चेप जस्ट लाइक कि अब पैसे नोट हाथ में नहीं दिखेंगे, बाप रे बाप। तुम्हारे अकाउंट में है, तुमको पता नहीं क्या सिस्टम बनाने वाले, जितने अगर 1,000 रुपए तो 1,000 रुपए, अगर किसी ने तुम्हें 5 लाख दे दिया, क्यों दे दिया, उसके उसके ऊपर लग जाएंगे सीबीआई क्यों दिया पैसे वो यहाँ तो चलो रणनीति चल रहा है। और तो आधी भी लगी शीत लगी रहती है, चेक चलते रहते हैं। नहीं, अभी तो गूगल पे ये सब हो गया ठीक है, लेकिन नोट भूल हो जाएंगे साले, इनको भी देखना मुश्किल हो जाएगा अगर ये हो गया तो फिर कहाँ से किसकी दुकान चलेगी ना। सही बात है, तो एकदम सही, सही दरबार वाले के ऊपर बात सरकार ज्यादा ध्यान देगी है। दरबार कौन पैसे दिया, अगर वो बोलेगा कि इनको इस काम के लिए पैसे दिया, मेरा काम नहीं हुआ, पैसे वापस करना चाहिए, तो वो चिप्स दो भाई जज जीत लिए, अब तो वो केस छोड़ देगा, लीगल लीगल केस छोड़ देगा, क्या करोगे। महेश जी को शौक थोड़ी है कि मुझे पैसे दे रहे हैं, हाँ उन लोगों का शौक सही थोड़ी है बात कि पैसे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, काम नहीं हुआ तो भैया उधर ऑनलाइन तुम कंप्लेन कर सकते हो है। सही लेते हैं ना, ये सब बंद हो जाएगा बात भैया दान कैसे है, देंगे। कैश में करेंसी बंद हो गई, नहीं हो नहीं सकती, कुछ पैसे चल सकता है साथ में डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह, नहीं ये लेकिन तो इनका कैश में प्लान, इनके करेंसी इनके रहेगी। ये प्लान तो कम से कम 6 महीने से चल रहे हैं इनके, अभी मोदी हाँ साहब जी जो भाई, करने वाले हैं ना इलेक्शन का चल रहा है ना जीन, उस वजह से तो कर सकते हैं। वो क्या हो रहा है मालूम है, तो मोदी साहब गेम अच्छा करते, सबसे बड़ी बात है हाँ गेम जी अच्छा, जिस टाइम पे इलेक्शन होगा उसे 2 महीने पहले नोट बंद कर देते बिल्कुल गुरुजी ऐसे ही होता है। इनके पैसे जो है ना जितने अरे ये नेता है पता नहीं कितने 1,000 करोड़ पैसे बांटते हैं अपने अपने एरिया में, अब पूरे देश में बांटना है, सोचो वोट लेना है तो मोदी साहब को पता है पैसे में कम नहीं है, कर सकता है, इसको होगा, सब मिलके कर लेंगे है ना, कर लेंगे, लेकिन करता नहीं है। जी तो वही चीज है कि जब इनके पास पैसे आएंगे, 1 करोड़ रुपए क्यों दिया भैया, हम कथा कहते हैं, तुम भोसड़ी वाले बहुत बड़े कथे कथे प्रवक्ता हो, तुम इतने पैसे दोगे, सबसे तो पहले ये नहीं ले जाएंगे हम सही बात है। अपना खाता 0 करके रखेंगे भैया, वो सीबीआई लगेगी, सीबीआई लगेगी भी तो देखेंगे, तो यार काम नहीं चल रहा इसका, काम ही नहीं कर रहा, मुड़ी आदमी है ये, अब इसका अकाउंट चेक करके फायदा नहीं, मुड़ होगा तो करेगा तो देखेंगे ना मेरे उनका अकाउंट में पैसा ही नहीं रहता है जी। सुनो नहीं, सुनो मेरे अकाउंट में पता है कितना है, 1,100 रुपया है, वो भी 3 साल से, सोचिए तो मैं वही सोच रहा हूँ, तो ये तो हमारे पास तो कोई आएगा नहीं हमारे पास कोई आएगा नहीं, अब जाएंगे तो ये बड़े बड़े दरबार है ना इनके पास जाएंगे, सही बात है है ना। एक बात है मानना पड़ेगा भाई, सुनो अगर दरबार वाले के पास गए कि तुमने पैसे क्यों लिया, इतने सारे पैसे आ रहे, तो बोलेगा कंप्लेन किसी ने किया क्या कंप्लेन किसी ने किया क्या, नहीं तो ये मेरे दान है, दान देते हैं मुझे, दान किस बात का देते हो, क्या देते हो तुम, हाँ आशीर्वाद, अच्छा आशीर्वाद कोई खरीदता है, हाँ ये आशीर्वाद के पैसे आशीर्वाद के पैसे, तो बोले कौन सा आशीर्वाद दिया, बोल दिया दिनेश ने काली माता भेजा था उसका 5 लाख मान लेना कोई ले लिया, बोले 5 लाख क्यों आए, डिजिटल में तो पकड़ा मुझे जाएगा सुन पड़ जाएगी, चकरा जाएगी कि कह रहे कहाँ चले आए, कहाँ फंस गए। हाँ देखो पुलिस वाली भी है इधर जुड़ी, मतलब दिमाग लो, अब सीबीआई आएगी, 5 लाख रुपए आप लेते हैं और 50 लाख रुपए एक दिन में आ गया, करते क्या हो भाई बोलेंगे हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची थी, अब तो ये लीगल प्रॉपर्टी होगी,
अब शक्ति बेची थे तो मतलब पागल हो जाएगी, बोले क्या शक्ति सही बात है, कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो शक्ति बेच तो, रहे हैं। अब वो बोलेगा ये तो अंधविश्वास है, ऐसा होता ही नहीं है, है ना, ऐसा होता ही नहीं है। तो जे जिसने शक्ति दिया उससे पूछ ले, है ना। तो वो जब उसके ऊपर आएगा बोले सब नाटक है ये सब, तो वो खुद ही जो आएगा उसे मार देगा, उसे क्यों लेते, यही तो शक्ति, यही तो है शक्ति, शक्ति ये बेचा है मैंने। अगर इनको अंधविश्वास हटाना पड़ेगा, सही बात है, समझ गए। जिंदगी के दो लौंग देना पड़ेगा उनको भी जब आएंगे तो। नहीं, दो लौंग नहीं, तो जब भैया पैसे हमें तो उसी के मिले हैं ना, इनकम टैक्स अगर पूछेगी है कि नहीं बिंदु, इनकम टैक्स पूछेगी ना कि ये पैसे कहाँ से आए, हमने शक्ति बेची भैया, शक्ति होती क्या है, बोले दुर्गा माता काली माता कितनी शक्तियां है भाई। बोलो बोलो गुरु जी, उनको भी शक्तियां दे देंगे, पैसे ले लेंगे चले। ऐसे में घुसेगी तो हम तो लीगल बोल रहे ना भाई, जो पैसे आ रहा है उसका इनकम टैक्स कट रहा है, सिंपल सी बात है कि नहीं महेश जी? तो वो नहीं भरे तब तो हम चोर है ना भाई। तुम प्रूफ क्या जुटा इकट्ठे करोगे कि अंधविश्वास है कि है शक्ति? अब तुम्हें यकीन ना हो तो बेटा दो लौंग खा लो, तुम भी शक्ति मान लोगी। दो लौंग गुरु जी, अभी अभी मैं जा रहता हूँ ना वहां पे कथा कर रही है, उनने वो एमपी में है कथा वाचक है वो, तो वो शिव जी के उपाय बहुत देते हैं, तो सब लेडीज उन करती है, तो उनको है ना एक विधायक ने अभी कथा कर रही तो हेलीकॉप्टर से बुलवाया उनको, बड़ा आदमी वो पैसा। ये सबके दिन कैसे चल रहे पता है, ये सबके दिन क्या चल रहे पता है, कि अभी ऐशो आराम दुनियादारी हिंदन जो भी है इनके माया चल रही है, जो इनके कर्म चल रहे हैं, जिस दिन इनके कर्म लूज हुए ना वो जेल में ही पाएंगे साले को, जेल के अंदर ही रहेंगे, जिस दिन कर्म लूज रहे उस दिन जेल में। तो अच्छी जिंदगी जी ली, अब तो नरक की जिंदगी जियो साले, ये होने वाला है।